जीएसटी रेट कट में किसी तरह की गुंजाइश देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी के रेट कट और जो जो टैक्स का जो रेट कट है, ये हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि एक स्टेबिलिटी ऑफ रेट्स होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है क्या कि ये लोगों में एक इस तरह का एक एक गलत एक कभी कभी एक इम्प्रेशन जाता है, धारणा रहती है कि जीएसटी के रेट करने से, कम करने से इकोनॉमी में कुछ एक बूस्ट आता है। अब देखिए कि मार्च महीने में हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाया मोबाइल फ़ोन में, उसका रेट 12% से 18% कर दिया। और अभी पिछले दो तीन दिनों का अखबार देखें तो जितने भी मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सबके जो मोबाइल फ़ोन का सेल्स है काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जस्ट अबाउट एक डेढ़ महीना पहले काफ़ी एक इस तरह की बातें उठी थी कि जीएसटी और ऑटो सेक्टर को बड़े रेट कट की ज़रूरत है, उनको रेट कट करेंगे तो उससे उनके सेक्टर को रिवाइव होने में मदद लगेगी। और आज ही देखिए कि इंडस्ट्री से ही उन लोगों का ये स्टेटमेंट है कि अब हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और हमें रेट कट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ इसी चीज़ को दर्शाता है कि रेट कट करने से इंडस्ट्री को हमेशा फ़ायदा होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और उल्टा अगर हम बार बार अगर हम रेट कट करें तो ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ये जो टैक्स स्टेबिलिटी होता है वो उसके खिलाफ भी है। और एक ये बड़ा एक गलत सिग्नल जाता है हमारे जो डोमेस्टिक जो बिजनेस हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, ऑल्सो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, कि ये हर बार हम लोग ये रेट कट हर बार क्यों करते हैं? साल में एक बार कभी एक ओकेजन आना चाहिए जिसमें कि बड़े गहन अध्ययन करके और किस सेक्टर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर क्या रैशनलाइज करना चाहिए, उसके बारे में ये इस तरह का निर्णय होना चाहिए।